सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल रहा हूँ कि वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में जो भी मैं मटेरियल यूज़ करूँगा, PNGs एंड सॉन्ग, उस पर आपको पासवर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो पे आपको कंप्लीट देखना है। वीडियो पे आपको 4 डिजिट का पासवर्ड मिलेगा, तभी आप PNGs एंड सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हो ईजिली। ठीक है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सिर्फ वीडियो कम्प्लीट देख लेना, आपको पासवर्ड मिल जाएगा, 4 डिजिट का पासवर्ड मिलेगा। आप इजीली पासवर्ड ऐड करोगे तो आप मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, XML में आपको कोई भी पासवर्ड का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ PNGs एंड सॉन्ग पे पासवर्ड का जरूरत पड़ेगा। इसलिए वीडियो स्किप मत करना, अच्छे से एंड तक देख लेना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर, क्योंकि रोज आपको लेटेस्ट जो ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल है आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको HD स्टेटस और इमेजेस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आराम से लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और इंस्टा पे जरूर फॉलो करना, क्योंकि 1K फॉलोअर्स के बहुत ही ज़्यादा करीब हूँ, और कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टा में DM कर सकते हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन पे आपको XML फाइल मिल जाएगा। XML को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको एलाइट मोशन में इंपोर्ट करना है। XML को एलाइट मोशन में इंपोर्ट करने के वक्त अगर आपको एलाइट मोशन शो नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, जो टेलीग्राम चैनल पे जाना है, पिन किया हुआ ये वाला एलाइट मोशन ऐप मिल जाएगा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आप इजीली XML को इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एलाइट मोशन को ओपन करना है, प्रोजेक्ट पर जाना है, जो बिटमार्क वाला प्रोजेक्ट है इसको सिंपल से इस तरीके से ओपन करना है। ठीक है, अगर आप स्किप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, आप जो इफेक्ट है इमेजेस है ऐड नहीं कर पाओगे, इसलिए स्किप मत करना, अच्छे से एंड तक देख लेना। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ ऐड है ऑलरेडी। ठीक है, आपको बस इमेजेस ऐड करना है, लेकिन वही बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का बात है, लेकिन हर कोई कर नहीं सकता। ठीक है, इसलिए आप अच्छे से देख लो। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐड फोटोज़। ठीक है, ऐड फोटोज़ पे क्लिक करना है। नीचे आपको दिखाई दे रहा है एडिट ग्रुप, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 ग्रुप है, एक ग्रुप है ऐड फोटोज़ और एक ग्रुप पे क्या लिखा हुआ है, डोंट टच दिस ग्रुप। ठीक है, ऊपर वाले जो ग्रुप है इसको आपको टच करने का जरूरत नहीं है। आपको नीचे वाले क्या दिखाई दे रहा है, ऐड फोटोज़, इस पर क्लिक करना है। फिर से आपको एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा 3 लेयर। आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट PNG दिखाई दे रहा है, ये आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, ये जो स्टार ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जो PNG है आपको सिंपल से यहाँ पे सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये वाला PNG आपको ऐड हो जाएगा, और ये जो PNGs का ऊपर जो आप जो प्रोफाइल देख रहे हो उसके साइड पे आप अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, इसलिए आप अपने नाम लिख लेना। उसके बाद जैसे बैक आना है, नीचे आपको दिखाई दे रहा है ऐड 5 फोटोज़। आपको इस पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे जाना है, यहाँ पे आपको 5 फोटोज़ दिखाई दे रहा है। आपको सिंपल से क्या करना है, फोटो 1 पे क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल्म में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल्म में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल्म में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपको क्या करना है, इमेजेस को ऐड कर लेना है। ठीक है, और ये सभी इमेज आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, इजीली मिल जाएगा। उसके बाद आपको ऐसे आना है बैक। ठीक है, इस तरीके से आपको ऐसे बैक आना है, कुछ इस तरीके से आपको अभी देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे जो सॉन्ग है इसको आपको ऐड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन पे आपको सॉन्ग मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको आना है 9.16 सेकंड। ठीक है, इमेज का लेयर दिखाई दे रहा है, इमेज का लेयर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले ध्यान से सुन लो, 4 इमेज नहीं चाहिए आपको, सिर्फ यहाँ पे चाहिए 1 इमेज 4 लेयर तक। ठीक है, ये जो 1, 2, 3, 4 लेयर आपको दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3, 4
इस फोर लेयर पे आपको सेम इमेज ऐड करना है। कैसे करना है, लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेम इमेज आपको यहाँ पे ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेम इमेज ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेम इमेज ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज सेलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है, इस तरीके से करना है। उसके बाद आपको सेम क्या करना है, सिर्फ आपको चार लेयर पे, इस बार चार लेयर नहीं, इस बार आपको तीन लेयर यहाँ तक, ठीक है, 14.08 सेकंड तक आपको यहाँ पे ये जो तीन लेयर दिखाई दे रहा है, ये वाला लेयर छोड़ के तीनों लेयर पे आपको क्या करना है, इमेजेस ऐड करना है, जहाँ पे इमेज लिखा हुआ है वहाँ पे इमेजेस ऐड करना है, सेम इमेज, ठीक है, प्लस पे क्लिक करना है, सॉरी इमेज पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल्म में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जो भी आप इमेज ऐड करना चाहते हो इस तरीके से सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेयर पे जाना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल्म में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट लेयर पे जो इमेज का लेयर है इस पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल्म में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ तीन इमेजेस ऐड करना है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला लेयर है इसको आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट लेयर है इस पे जाना है, यहाँ पे आपको फिर से क्या करना है, चार इमेजेस ऐड करना है, इस तरीके से आप चार लेयर देख सकते हो, चारों लेयर पे आपको यहाँ पे इमेजेस ऐड करना है, ठीक है। लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, इस तरीके से आपको लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल्म में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है, चार लेयर तक सेम इमेज आपको यहाँ पे ऐड करना है। इस तरीके से आप देख सकते हो, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल्म में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेम इमेज आपको चार बार ऐड करना है, ठीक है, चार लेयर पे ऐड करना है, ओके ओके, ठीक है। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे चार लेयर दिखाई दे रहे हैं, चार लेयर पे आपको सेम इमेज ऐड करना है, इमेज पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल्म में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेम इमेज आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, इस तरीके से आप देख सकते हो सेम इमेजेस को ऐड करना है, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, इस तरीके से देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा ग्रुप टू, ठीक है, ये जो ऊपर वाला ये वाला लेयर है इसको आपको कोई भी चेंज करने का जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा रहने देना है। नीचे ग्रुप टू दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप में जाना है, यहाँ पे आपको चार लेयर दिखाई दे रहा है, चारों लेयर पे आपको सेम इमेज ऐड करना है, इमेज पे लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल्म में जाना है, मीडिया नॉट फाउंड दिखाई दे रहा है, राइट साइड पे जो स्टार है इस पे क्लिक करना है, सेम इमेज आपको यहाँ पे ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर फिल्म में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, इमेज सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है, बैक आने के बाद आपको पूरा एंडिंग पॉइंट पे जाना है, ठीक है, इस तरीके से आपको ग्रुप जो है वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आपको एंडिंग पॉइंट पे दिखाई दे रहा है इमोजी, इस पर क्लिक करना है, ओके पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल्म में जाना है, स्टार ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो पीएनजी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा डाउनलोड कर लेना, उसको आपको यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर लेना है, प्लस पे क्लिक कर देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है। कर लेने के बाद आपको ऐसे बैक आना है, बैक आने के बाद जो शेक इफेक्ट है उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको दो सीसी देखने को मिलेगा, दोनों सीसी को सिलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक करके कॉपी टू लेयर कर लेना है, यहाँ से बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, प्लस पे क्लिक करके पेस्ट टू लेयर कर देना है, ठीक है, पूरा एंडिंग पॉइंट तक लेके आ जाना है, इस तरीके से आप देख सकते हो HDR CC आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारा स्टेटस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, हाई रेजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, खराब लगा फिर भी कमेंट करके ज़रूर बोलना, ठीक है, डिसलाइक भी कर सकते हो अगर खराब लगा, अच्छा लगे तो लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।